लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स कंडीशन एंड वॉरंटी देख रहे थे, व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वॉरंटी। गारंटी हम जो प्रैक्टिकल यूज में वर्ड यूज करते हैं वो यहां पे लॉ में कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन एंड वॉरंटी सबसे पहले आप देखोगे ना तो एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस। व्हाट इज द एक्सप्रेस एंड व्हाट इज द इंप्लाइड। आप जब फर्स्ट मीटिंग में जाओगे तो लड़की को पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। लड़की को खाना पकाना नहीं आता है वो बोलने की जरूरत है। जो फर्स्ट मीटिंग में वर्ड्स में बोला जाता है वो एक्सप्रेस है। कुछ नहीं बोलते हो समझते ही है कि लड़की को खाना पकाना आता ही होगा, वो इंप्लाइड है। सबसे पहले जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसमें एक्सप्रेस और इंप्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा जाता है, दैट विल बी नथिंग बट इट इज एक्सप्रेस। मेंशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द एक्सप्रेस। जो स्पेसिफिकली वर्ड्स में बोलना पड़ता है दैट इज द एक्सप्रेस। इंप्लाइड बोलने की जरूरत नहीं है। जब लड़का लड़की देखने आएगा तो लड़की के पापा को पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का अर्न करता है या नहीं। वो देखने आया उसका मतलब इंप्लाइड है कि वो अपना घर चला पाएगा उतना अर्न करता है। नहीं करता होगा तो उसके पापा को बोलना पड़ेगा। इंप्लाइड ने प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा मान लेते हो, आप मान सकते हो, प्रिज्यूम बाय लॉ यू कैन बिलीव दैट, ऐसा सोच लेते हो आप, एक्सेप्ट करते हो, मानते हो कि ये तो होगा ही। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो तरीके की टर्म्स होती है, एक लिखना पड़ता है दैट इज द एक्सप्रेस, जो दूसरा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मालूम ही पड़ जाता है दैट इज द इंप्लाइड। बोलने की जरूरत नहीं है, आप मान सकते हो दैट इज द इंप्लाइड। कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले इंप्लाइड कंडीशंस होगी। कोई आपके पास कार बेचने आएगा तो आप उसको ऐसा पूछोगे क्या, ये कार तेरी है क्या, बेचने क्यों आया है भाई। कोई भी आदमी कार बेचता है और कोई और चीज बेचता है, उसकी चीज है वही तो बेच सकता है, तो इंप्लाइड कंडीशन है। सो मैं आपको यही पूछ रहा हूं, एक्सप्रेस मीन्स व्हाट, टर्म्स मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड मीन्स व्हाट, प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन टाइटल। जब सेलर कोई भी चीज बेचने के लिए आया है, जब वो बेचने जा रहा है, जब वो बेच रहा है, तभी वो गुड्स उसका ही है। सेलर इज अ राइट टू सेल, सेलर के पास बेचने का राइट है। कब, एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर। जब वो बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो सेलर के पास बेचने का राइट है ही। कई बार सेलर के पास बेचने का राइट नहीं होगा, तभी भी उसने किसी को बेच दिया, एट दैट टाइम बायर के राइट्स क्या रहेंगे। बायर्स वो चीज टू ओनर को वापस दे देगा एंड बायर सेलर के पास से प्राइस है वो स्यू करेगा। आप जब एग्जांपल भी देखोगे, अभी यही एग्जांपल कंटिन्यू है, ए ने सी का ट्रैक्टर परचेस किया, ए ने सी का था ट्रैक्टर, परचेस किसी के पास से किया, परचेस किया है वो बी के पास से किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फ्रॉम द बी, परचेस फ्रॉम द बी। ए को वैसे था कि ये जो ट्रैक्टर है वो बी का ही है, ए मान रहा था ये ट्रैक्टर बी का ही है, ऐसा मान के ए ने बी से ट्रैक्टर परचेस किया, अज्यूमिंग दैट इट इज ऑफ द बी। बट आफ्टरवर्ड्स जब ए ने बी
किसी से ट्रैक्टर परचेज कर लिया, तो बाद में ए को मालूम पड़ा ये ट्रैक्टर तो बी का है ही नहीं, ये ट्रैक्टर तो सी का है। सी क्या करेगा? सी ए का गला पकड़ेगा, ए को ए चोर चल मुझे ट्रैक्टर दे दे। ए क्या करेगा? ए जब प्रूव कर पाएगा कि ये ट्रैक्टर सी का है, ए है वो सी को ट्रैक्टर दे देगा। सी क्लेम फ्रॉम सी है, ए से ट्रैक्टर ले लेगा। ए मस्ट रिटर्न टू सी। बेचारे बी का क्या? बी है वो ए पे, बी से परचेस किया ए ने, ए है वो बी पे, प्राइस के लिए सी ऊपर पाएगा। ऑनर कौन था ट्रैक्टर का? ऑनर कौन था? सी। किससे परचेस किया? बी से परचेस किया। प्राइस किसने की? ए ने। सी है वो ए से ट्रैक्टर वापिस लेगा, एंड ए है वो बी से प्राइस वापिस लेगा। वही चीज हम बोला है, गुड्स रिटर्न टू द टू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। मेरी चीज है वही मैं दूसरे को बेच सकता हूँ। कई बार जो मेरी चीज नहीं थी वो मैंने दूसरे को बेचा, तो क्या होगा? रिटर्न टू द ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम सेलर। सबसे पहले हमने इम्प्लाइड देखा, इम्प्लाइड कंडीशन में सबसे पहले हमने टाइटल देखा। आफ्टर टाइटल लेट मी सी द डिस्क्रिप्शन। कोई भी आप गुड्स परचेस करने जाते हो तो सेलर बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं जो दे रहा हूं एग्जांपल गुड्स का नहीं है, बच्चों के दिमाग में वही एग्जांपल बैठता है, इसलिए मुझे देना पड़ता है। जब लड़का लड़की देखने जाता है तब लड़के की बड़ी बड़ी बातें उसके पेरेंट्स करते हैं। रात को रो भाई घर आ जाता है, कुछ भी व्यसन है ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें होती है उसकी। वैसे वैसे होता लड़की की भी होती है, डिस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही हम कोई गुड्स परचेस करने जाएंगे तो आपको कुछ उसका क्वालिटीज बताएंगे। वो गुड्स एज पर क्वालिटीज ही होना चाहिए। गुड्स के पैकेट पे कुछ क्वालिटी लिखी होती है, गुड्स अकॉर्डिंगली उस क्वालिटी का ही होना चाहिए। आपने शिप परचेस की और शिप आपने बोला था, बायर ने सेलर को बोला था मेरी शिप कॉपर फास्टनर चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? कॉपर फास्टनर। बट एक्चुअल इट इज नॉट, वो वुडन की निकली। आपने बोला था कॉपर की सीप होनी चाहिए, एक्चुअल निकली है वो वुडन की। गुड्स इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। आपने जो कॉन्टेक्ट किया था वो इंग्लिश सेंट फॉइड, यानी इंग्लैंड के इंग्लिश के छोटे छोटे बीज थे, सीड्स यानी बीज, उसके लिए आपने बियावन के लिए कॉन्टेक्ट किया था। बट एक्चुअली जब आपने परचेज किया, जायंट लोकल सेंट फॉइड निकला। बोला था इंग्लिश, निकला जायंट। हेंस इट इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। आपने बोला था पियास, लेकिन आपको मिल गया बियंस। वाल बोला था वटा ना मिले। इट्स ए व्हाट? गुड्स नॉट एज पर योर डिस्क्रिप्शन। तो कॉन्टेक्ट वॉइड हो सकता है। आप बायर है वो परचेस करने के लिए लायबल नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन? टाइटल। व्हाट इज द फर्स्ट? टाइटल। सेकंड? डिस्क्रिप्शन। नाउ थर्ड वन, दैट इज सैंपल। वैसे तो हर एक आदमी सैंपल ही है, लेकिन वहां यहाँ पे वो सैंपल नहीं है। आप जब परचेस करने के लिए देखने के लिए जाते हो तब आपको गुड्स थोड़ा दिखाया जाता है। That should be according to your sample. जब आपको पूरे गुड्स की डिलीवरी मिलती है, बल्क यानी होल गुड्स एज पर योर ऑर्डर, वो बल्क आपको जो मिलता है वो आपका जो सैंपल दिखाया गया था उसकी क्वालिटी से मैच होना चाहिए। योर बल्क सेल बी एज पर द सैंपल इन द क्वालिटी।
गेहूं परचेस करने गए, ऑयल परचेस करने गए, कोई भी वीट परचेस करने गए, आपको सिंपल दिखाते हैं। बाद में बोला आपको ऑयल टीन है, ऑयल का पूरा बैग है गेहूं का, घर पे आता है तो आपको चेक करना है आपका सैंपल और ये पूरा बैग दोनों सिमिलर होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में लड़की जब बात करती है इतना धीरे से बात करती है, दैट इज द सैंपल, पूरा लाइफ है दैट इज द बल्क, इतने जोर से बात करती है कि पास वाले भी सुनते हैं, तो ये बल्क है, इस पर सैंपल नहीं है, होता ही नहीं कभी। बट यहाँ पे जब हम वीट की बात करें, गुड्स की बात करें, तो गुड्स तो आपका एज पर सैंपल होना चाहिए और बायर को आपको अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए, चल भाई देख ले ये जो गुड्स है ना, सब जो सैंपल दिया था वैसा ही बैग में आपके घर रखने के लिए आया हूँ, दैट इज द नथिंग बट रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू द बायर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द बल्क विद द सैंपल। आपका बल्क है वो सैंपल के साथ वेरीफाई करने का राइट्स है, वो बायर को मिलना ही चाहिए। सबसे पहले बल्क शुड बी एज पर सैंपल, सेकंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज, थर्ड आप जो भी गुड्स परचेज करने जाते हो उसमें लेटेंट डिफेक्ट, गुप्त डिफेक्ट, जो पकड़ी ना पाए वैसी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, नॉट डिस्कवर्ड बाय द ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, इसीलिए लेटेंट डिफेक्ट मेक्स इट अनमर्चेंटेबल। कोई भी गुड्स आप परचेज करने गए, आप बफेलो काउ परचेस करने गए, काउ अच्छी है, दिखने भी अच्छी है, व्हाइट व्हाइट है, लेकिन दूध नहीं दे रही है, फेस है वो भी दूध नहीं दे रही है, तो आपको अनमर्चेंटेबल ही बोलेंगे, लेटेंट डिफेक्ट है, आपको मालूम नहीं था, उसे बताया तो ही मालूम पड़ा, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। टू व्हीलर परचेस करने जाओगे और टू व्हीलर के इंजिन में कुछ प्रॉब्लम है कि 60 की ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो इंजन गर्म हो जाता है, देख के मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा चक्कर लगाकर भी मालूम नहीं पड़ता है सिटी में, जब इन फ्यूचर हाईवे में लेके जाते हो तब मालूम पड़ता है। तो ये आपका बाइक है या आपकी काउ है, वन मर्चेंटेबल है, उसमें लेटेंट डिफेक्ट है, गुप्त डिफेक्ट है, दिख के मालूम नहीं पड़ता है, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से मालूम नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है शूज का, फ्रेंच की जो आयुर्वेद वो स्पेशियल सोल का स्पेशियल मटेरियल यूज करके शूज चाहिए और आपने बना के दिए, उसमें अलग तरीके का पेपर यूज किया आपने, आप ऐसा बोल पाओगे कि आपके जो शूज है वो इस पर सिंपल नहीं है। इम्प्लाइड कंडीशन सबसे पहले टाइटर, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड सैंपल एंड फोर्थ वन दैट इज अ सैंपल एज वेल एज। आधा घंटा लड़की ने बात भी की और लड़की के आंटी ने बोला भी लड़की बहुत ही अच्छी है, सैंपल भी था और डिस्क्रिप्शन भी था, तो गुड शुड बी एज पर बोथ। यहाँ पे ऑयल का एग्जांपल दिया है, आप ऑयल परचेज करने गए, आपको बोला ये रिफाइंड ऑयल है, देखो ये सैंपल, आपने देखा है, आपको मालूम नहीं पड़ा इसमें सॉन यानी हेम्प उसका ऑयल साथ में मिक्स था, देख के आपको मालूम नहीं पड़ा। जब शाम को आपको ऑयल मिला तो सवेरे जो दिखाया था वैसा ही था, लेकिन वो हेम्प है ना उसका ऑयल उसमें इंक्लूड था, तो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप लेबोरेटरी में ऑयल लेके जाओगे, चेक करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा ये तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल नहीं है, हेम्प ऑयल है, आप उसको वापिस दे सकते हैं। सवेरे आपको दिखाया तो भी वही दिखाया था, शाम को दिया भी वही है, गुड्स इस पर सिंपल है लेकिन इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं चलेगा, होना ही चाहिए गुड्स इस पर सिंपल भी होना चाहिए एंड इस पर डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। व्हाट इज फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन,
टाइटल सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वन दैट इज द क्वालिटी ऑफ फिटनेस. आप जाते हो बोलते हो मुझे पानी पूरी का मसाला दो और वो आपको मिल्क शेक का मसाला दे देगा. तो आपने जो पर्पस दिखाया था पर्पस बोला था अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं है. हमें बोला आपको बायर इन्फॉर्म टू द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ परचेस. हम क्यों परचेस कर रहे हैं ना उसका आपने पर्पस उसको बताया. आपने बाद में कोई ब्रांड का नाम नहीं लिया था. सेलर की स्किल पे सेलर के जजमेंट पे आपने ट्रस्ट रखा है. उससे जो डिसाइड किया उसने जो निर्णय लिया वो आपको मान्य है. आप उस पे रिलाय कर रहे हो तो आपका गुड्स है वो आपने जो पर्पस दिखाया है ना अकॉर्डिंगली होना चाहिए. अकॉर्डिंगली नहीं होगा ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. ए ने हॉट वाटर बॉटल परचेस किया गर्म पानी की बॉटल परचेस की और बॉटल जब घर के लेके आया और वाइफ के हाथ में दिया तो ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट होने की वजह से वाइफ इंजर्ड हुई. तो केमिस्ट यानी दुकान वाला है वो लायबल है फॉर द प्राइस एज वेल एज डैमेजेस. फॉर द प्राइस एज वेल एज डैमेजेस फॉर द बोथ शॉपकीपर इज लायबल. व्हाई? बिकॉज गुड्स इज नॉट एज फिट. उसका जो बोतल में बोतल था उसकी बोतल इतनी कैपेबल नहीं थी कि हॉट वाटर है वो संभाल पाए. तो इस पर क्वालिटी नहीं था इस पर फिटनेस नहीं था. इसीलिए इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हो डैमेजेस भी मांग सकते हो. कंडीशन का ब्रीच होगा डैमेजेस एंड रेपुडिएशन. और वारंटी आगे हम देखेंगे सिर्फ डैमेजेस. वो भी कंडीशन कर रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वालिटी ऑफ फिटनेस. लेकिन तभी भी क्वालिटी ऑफ फिटनेस है आपने जब आपने दुकान वाले को बोला है वैसा ही गुड्स उसने आपको दिया है तो आपको देख के लेना है. बायर बी अवे केवी टेम्पटर बायर बी अवे. जागते रहो. जो चीज लेना चाहते हो देख के लो संभाल के लो. आप सेलर को लायबल नहीं बना सकते. क्यों? आपने देख के लिया था. यहां पे कंट्रोवर्सी खड़ी होती है. आपने सेलर पे ट्रस्ट रखा था सिर्फ पर्पस बोला था और बाद में वो पर्पस सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सेलर पे सीव कर सकते हो. आपने देख के लिया था. जनरली बायर वो एग्जामिन करके गुड्स लेता है. बायर है वो एग्जामिन करके गुड्स लेता है. एट दैट टाइम सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल बायर भी अवेयर. लेकिन जब बोल दिया है बायर ने बालाजी चाहिए वेफर्स बास्ता मसाला वॉट वॉट समा भाई चा वॉट एवर जो बोल ही दिया है ट्रेडमार्क और पेटेंट के नाम से उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बायर ने नाम बोला है वही चीज दिया हुआ है और वो ट्रेडमार्क फिट नहीं होगा तो भी ट्रेडमार्क का ओनर लायबल होगा डीलर नहीं. आपने विद द पेटेंट और ट्रेडमार्क ही परचेस किया है. अब पानी पूरी का मसाला बादशाह लेके गए घर पे ओपन किया तो मिल्क सेल का मसाला निकला. डीलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओरिजिनल कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल. ट्रेडमार्क और पेटेंट में यह रूल अप्लाई नहीं होगा कि आपका जो गुड्स है वो फिट फॉर क्वालिटी होना चाहिए. यह रूल अप्लाई नहीं होगा. लास्ट वन दैट इज द होलसमनेस. हेल्दी होना चाहिए गुड होना चाहिए प्योर होना चाहिए. इटेबल आइटम्स जो है ना सब खाने पीने की जो आइटम आप कभी जाओगे तो बोलोगे कच्ची दाबेली मैं खा पाऊं वैसा दाबेली दो. खाने के लिए तो दुकान होती है खाने जैसी तो चीज आएगी आपके पास. खाने की चीज है प्रोविजन स्टोर की चीज है वो गुड होना चाहिए प्योर होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए. एग्जाम्पल दिया है कि ए ने बी ने परचेस किया है मिल्क परचेस किया है. ए सप्लाई टू बी मिल्क. ए ने बी को मिल्क सप्लाई किया और बी की वाइफ ने वो मिल्क
यूज किया, उसको टाइफाइड हुआ, वो डाइड हो गए, ए इज लायबल। ए ने बी को मिल्क दिया था, वो होलसमनेस नहीं था, इसीलिए ए लायबल रहेगा, ए लायबल रहेगा। इंप्लाइड कंडीशन में व्हाट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द टाइटल, सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन नेक्स्ट एंड लास्ट सिक्स टाइटल डिस्क्रिप्शन सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन क्वालिटी एज ए फिटनेस होलसमनेस एंड आपको ये जो टाइप है सबसे पहला टाइटल देन डिस्क्रिप्शन देन सैंपल सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन क्वालिटी एंड होलसमनेस दिस सिक्स आर द इंप्लाइड कंडीशन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है whether it is implied condition or warranty, बच्चों को याद होता रहेंगे कंडीशन में आ गया वारंटी में आ गया ना वो भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है टाइटल डिस्क्रिप्शन सैंपल सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन फिटनेस होलसमनेस ये सब जो है आपका इम्प्लाइड कंडीशन में आएगा। नाउ इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस क्या है, कंडीशन है ना उसमें आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, व्हाइल वारंटी में सेफ डैमेजेस। इंप्लाइड वारंटी जो हमने आगे देखा कि लो से माना रिज्यूम बाय लो, रिज्यूम बाय लो, और वारंटी में सबसे पहले क्या है अनडिस्टर्ब्ड पजेशन, अनडिस्टर्ब्ड पजेशन। मैंने आपको बाइक बेचा, एवरी संडे के दिन आपके घर आऊंगा, चलो आज मुझे घूमने जाना है, मुझे बाइक दो ना, तो आपका डिस्टर्ब पजेशन होगा। मैं जाकर बोलते शादी के बाद लड़की के पापा डेली फोन आता है, शाम को घूमने आओ ना घर पे, लोकल में तो रहते हैं, डिस्टर्ब पजेशन होगा। अनडिस्टर्ब पजेशन होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन जो आपने किसी को गुड्स दे दिया है बेच दिया है उसमें आपका कंट्रोल राइट नहीं रहना चाहिए। Enjoy the quiet possession only to you, on your power. Otherwise, buyer can sue you on the seller. मैंने आपके पास से कार परचेज किया और कल रिलायंस वाला आएगा मुझे बोलेगा ये कार तो हमने रेंट पे ली हुई है दो महीने के लिए मुझे दे दो पहले, मैंने रेंट तो एडवांस दिया था, माई डिस्टर्ब पोजिशन, मैंने उन्हें सिर्फ ली थी, मुझे बताया नहीं गया था कि ये रेंट पे है, दूसरा कोई मांगने आएगा तो मेरा पोजिशन डिस्टर्ब होगा। तो फर्स्ट है अनडिस्टर्ब पजेशन, सेकंड है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इनकम बैलेंस, इनकम बैलेंस यानी प्लेज मॉर्गेज जीरो, आपके पास से मैंने कार परचेस किया, आपने बोला कि इसका कहीं पे भी लोन नहीं चल रहा है, कल मेरे पास लोन वाले आए और बोला चल भाई गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भरो, मैंने बोला क्यों इस पे लोन नहीं था ना, उसने बोला नहीं गाड़ी पे लोन था, आपने बोला ये आपका फ्री ऑफ चार्ज का है लेकिन एक्चुअल में वो प्लेज रखा हुआ था, लोन कौन भरेगा आपको भरना है। एग्जाम्पल देखो ए प्लेज कार सी, ए ने सी को अपना कार मॉर्गेज रखा प्लेज रखा, अगेन सोल्ड टू सी विदाउट नोइंग द फैक्ट, ये आपका जो ए प्लेज कार विथ बी, बी के पास कार आपने प्लेज रखा था और सी को बेच दिया और सी को बताया नहीं आपने, आप सी को बताया नहीं आपने बी के पास प्लेज रखा हुआ है, तो बी है वो मनी और इंटरेस्ट की क्लेम कर पाएगा। बी किसके पास से क्लेम कर पाएगा, ए के पास, यानी समझ लो ये नहीं पे करेगा तो सी के पास से बी कार भी वापस ले सकता है, तो सी है वो ए पे सीव करेगा, सी है वो ए पे सीव करेगा, सी परचेसर है उसका टाइटल डिफेक्टिव हुआ क्यों उस पे लोन चल रहा था तो ए को लोन भरना पड़ेगा। तो इंप्लाइड वारंटी में फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, फर्स्ट पॉइंट अनडिस्टर्ब पजेशन, सेकंड पॉइंट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम बैलेंस एंड थर्ड
डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर. जो गुड्स आप परचेज करने जाते हो उसका जो इनहेरेंट लिमिटेशन है कि कूलिंग प्लेस पे रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, ये जो उसका लिमिटेशन है वो लिमिटेशन आपको पहले से बायर को बता देना है. जब शादी से पहले लड़की के पापा को बोलना है कि हमारी लड़की एसी के अलावा रह नहीं सकती है, उसको 4G मोबाइल, उसको एक्टिवा गाड़ी, शाम को 5 होटल में खाना और ये सब मिलने के बाद भी एक दो बार तो वो किसी पे गुस्सा करती है तभी नींद आती है, उसका नेचर डेंजरस है, वो डिस्क्लोज पहले से ही करना पड़ता है. वैसे नहीं, गुड्स को कैसा एटमोसफियर चाहिए, खुली प्लेस पे रखना है और कितने दिन तक मैक्सिमम रख सकते हो, ये सब चीजें आपको क्लियरली बताना है. इनहेरेंट जो क्वालिटीज है वो भी आपको बताना है. व्हाट इज द फर्स्ट इम्प्लाइड वारंटी? अनडिस्टर्ब्ड. सेकंड, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकवरेंस. थर्ड, डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर. एंड लास्ट वन, क्वालिटी ऑफ फिटनेस एज पर यूसेज ऑफ ट्रेड. आपका नाम है पटेल पेंडा वाला, तो आपके पेंडे हैं वो आपके नाम को सूट हो वैसे ही होने चाहिए. वैसे आपका ट्रेड है, आपका यूसेज है, आपका नाम है मार्केट, आपके नाम से जो जुड़ा हुआ है अनेक्स्ड और अटैच्ड, आपके नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है ना क्वालिटी, अकॉर्डिंगली गुड्स होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपका गुड्स होना चाहिए अटैच्ड विथ योर नेम. तो यहाँ पे आपको जो बोला है पर्टिकुलर पर्पस के मुताबिक जो आपका नाम अटैच्ड है आपके साथ वैसा ही आपको गुड्स देना है, अदरवाइज यू कैन क्लेम द डैमेजेस. परचेसर कैन क्लेम द डैमेजेस. What are the first implied warranty? Undisturbed. Second, non-existence of encumbrance. Third, natural nature. Both warranty or ये implied warranty है. इसका breach होगा तो damages. इसका breach होगा तो damages claim कर सकते हैं. Next, that is the caveat emptor. Buyer beware. अभी जो हमने पॉइंट देखे थे ना, उसमें implied warranty, implied condition में seller liable था. Seller liable था. कोई भी implied condition, कोई भी implied warranty fulfill नहीं हो रही है, तो seller liable होता है. लेकिन अब हम जो देखने जा रहे हैं ना, caveat emptor. Buyer beware. जागते रहो. उसका मतलब क्या है? जो चीज आपको परचेज करना है वो देख के सोच के संभाल के आपको करना है. सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. आप ओपन मार्केट में से गुड्स परचेज कर रहे हो, ओपन मार्केट में सब गुड्स आपको दिखाया ही जाता है, इसी वजह से बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर सिलेक्शन करें. सेलर सामने से कुछ रिवील नहीं करेगा, अनफ्लेटरी ट्रूथ यानी अन्य से ज्यादा जो ट्रूथ है वो आपको बता नहीं देगा. ओपन मार्केट से परचेस कर रहे हो, देख के परचेस कर रहे हो, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रॉपर सिलेक्शन. कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरी वाइफ ऐसी है और वाइस वर्सा, वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड वैसा है, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू योर मेड सिलेक्शन. अभी गाँव में बोलने की जरूरत क्या है भाई, तूने तो सिलेक्ट किया था. So your bed selection only you will be responsible. There was an open market, goods was displayed. Now you are saying that sir, he or she is not well. Anyway, रहने दो. लेकिन open market में जो इतनी varieties available है उसको आपने properly evaluate करके select किया हुआ था तो अभी seller responsible नहीं रहेगा. तो वहां implied होगा कि no implied condition होगा. सेलर कब रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने उस पर ट्रस्ट रखा है तो ही, आपने उसको क्वालिटी बताया है, आपने उसको पर्पस बताया तो ही, उसके अलावा सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. ए ने बी को इन्फेक्टेड यानी बीमार पीक्स बेचे थे,
बी घर पे लेके गया, वो बी के जो हेल्थी पिलर है वो भी इनकी वजह से अफेक्टेड हो गया। सेलर रिस्पॉन्सिबल नो, बायर को देख के लेना चाहिए पीक को। इसीलिए सेलर बायर ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं, सॉरी सेलर ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये तो हेल्दी है, ऐसा नहीं बोला है। उसने आपको दिखाया पीक्स, आप लेके चले गए। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली बायर इज रिस्पॉन्सिबल। जनरली केवीएट एम्प्टर में सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन केवीएट एम्प्टर के भी एक्सेप्ट टू दिस एक्सेप्शन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेलर कब रिस्पॉन्सिबल रहता है? बायर ने पर्पस बता दिया कि मुझे पानीपुरी के लिए ये मसाला चाहिए। बायर ने सेलर की स्किल पे और जजमेंट पे ट्रस्ट रखा है। बायर ने पर्पस दिखाया और बायर ने सेलर की स्किल पे एंड जजमेंट पे ट्रस्ट रखा हुआ है, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली जब आपने उस पर ट्रस्ट रखा है, उसको पर्टिकुलर पर्पस बता दिया है, उसकी स्किल पे ट्रस्ट रखा है आपने, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बायर ने हिली एरिया में आबू है वैसे एरिया में चलाने के लिए ट्रक का ऑर्डर दिया था, सेलर को पर्पस भी दिखाया था, पर्पस भी बोल दिया था कि मुझे इस पर्पस के लिए आपका ट्रक परचेज करना है। ट्रक आपको सप्लाई किया वो अनफिट फॉर दैट पर्पस, आप ऊपर आप जाते हो ऊपर तो ट्रक रिवर्स में आता है, क्यों? तो पर्पस के लिए बनाया नहीं गया था। आप सेलर को बताते हो पर्पस, तो वो गुड्स उस पर्पस के लिए सूटेबल होना चाहिए, वरना सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन आपने बोला कि नहीं मैं टाटा का ये व्हीकल चाहिए, तो बाद में कुछ आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो ब्रांड का ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, डीलर नहीं। आपको ऐसा बोला था सिटी 100 का एवरेज है, आपने परचेज किया, बाद में देखा तो 60 का एवरेज आया, आप क्या करोगे? डीलर पे सीव नहीं करोगे, ओनर जो है ब्रांड का उस पर आप सीव करते हो। आप रेफ्रिजरेटर परचेज करने जाते हो तो उस पर बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कूलिंग के लिए फिट होना चाहिए, कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर होता है। आप सीप परचेज करते हो तो वो वुड का नहीं होना चाहिए, कोको फास्टर ही होना चाहिए। तो इस सब के लिए ये नहीं है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। केवीएट एम्प्टर में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके एक्सेप्शन में सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आप वेलवेट चादर परचेस करने गए, लेकिन वो वेलवेट आपने जब परचेस किया तब वो व्हाइट एंड कीड़ियों से है ना डेमेज था, तो आप इस पर केवीएट एम्प्टर देख के जब लोगे तब मालूम पड़ ही जाएगा सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कई बार सेलर ने चेक ही नहीं किया तो बायर ने चेक ही नहीं किया तो सेलर ने अपॉर्चुनिटी दे दिया, सेलर ने अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, बायर ने चेक ही नहीं किया तो वैसे मिस्टेक भी अपने नहीं थी, लेटेंट थी, तभी भी बायर को चेक करना चाहिए। बायर ने चेक नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लीकेज पाइप लेके घर पे आ गए तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते थे लीकेज दिख रहा था। सेलर रिस्पॉन्सिबल कौन से गुड्स के लिए? सिर्फ लेटेंट गुड्स के लिए, जो दिख नहीं रहे वैसी मिस्टेक के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसमें भी बायर ने एग्जामिन नहीं किया है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर ने एग्जामिन किया है लेकिन एग्जामिन करने के बाद वो गुड्स आपको नहीं मालूम पड़ा कि डिफेक्ट वाला है, तो ही सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सैंपल आपका बल्क कैसा होना चाहिए? इस पर सैंपल कैसा होना चाहिए? बल्क इस पर सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। आपने बोला प्योर तो प्योर ऑयल नहीं होना चाहिए, हेम्प ऑयल नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फिटनेस विथ योर यूसेज और रेट, आपका जैसा नाम है वैसा ही आपका गुड्स का क्वालिटी होना चाहिए। आप उससे डेविएट अलग नहीं हो सकते, डिफरेंट वे से नहीं कर सकते वो।
तो आपका जो क्वालिटी ऑफ फिटनेस है वो आपका यूसेज के नाम से जुड़ा होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको गुड्स है वो भी देना है। तो आपको सबसे पहले केवीए टेम्पर में उसके बोला था कि बायर रिस्पॉन्सिबल है, सेलर पे ट्रस्ट रखा है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेटेंट डिफेक्ट है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, अपेरेंट डिफेक्ट है और एग्जामिन ही नहीं किया है बायर ने तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गुड्स एज पर सैंपल होना चाहिए, एज पर सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एज पर ट्रेड होना चाहिए, लेटेंट डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए एंड अपेरेंट डिफेक्ट है लेकिन आपने एग्जामिन ही नहीं किया है तो सेलर लायबल नहीं होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मटीरियल, विजिट ca.com फाउंडेशन लो मेनू समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड बने रहिए तेजवाई सर के साथ, और आपके लिए लो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।